आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो ये हमारा इंस्टाग्राम का जो ये अकाउंट है, तो इस पे देखिए ये जो अपना पेड का जो ऑप्शन है इसमें बैंक अकाउंट कैसे ऐड करते हैं वो बताऊंगा। और देखिए जो अगर ये आपका गिफ्ट ऑप्शन इनेबल हुआ है तो ये देखिए इस तरह से इनेबल होता है, ये देखिए इस तरह से इनेबल होता है। अगर ये इनेबल हुआ तो आपको जो इस में जो आपके पेमेंट जो आती है उसको किस तरह से आप बैंक में ले सकते हैं, उसको लेने के लिए आपको ये पेमेंट ऑप्शन में, यहाँ देखिए पे आउट ऑप्शन में आपको बैंक अकाउंट ऐड करना ज़रूरी है। वो किस तरह से करना है वो सब इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो उससे पहले आपने क्या करना है, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो आपने क्या करना है, अपने अकाउंट में आना है। देखिए यहाँ अपने अकाउंट में आने के बाद ये देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाना है, तो हम इस पे जाते देखिए। तो इस पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए नीचे देखिए यहाँ ये, तो यहाँ आपको शो होगा देखिए पे आउट्स। तो आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट ऑप्शन पे ले जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है देखिए सेटअप पेमेंट पे आउट अकाउंट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नेक्स्ट इस पर ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना, आपने तो यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ पे आपने लीगल नेम जो भी आपका है सरनेम डालना है। उसके बाद यहाँ देखिए नीचे देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए कंट्री डालना है। तो कंट्री डालने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ नीचे ये देखिए नेक्स्ट पर क्या करना है, आपने क्लिक करना है। थोड़ा वेट करिए, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अगले डैशबोर्ड पे ले जाएगा, तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। तो ये देखिए अब नेक्स्ट डैशबोर्ड पे ले जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा आपका देखिए कंट्री, तो कंट्री क्या देना, आपने इंडिया देना है, तो मैंने इंडिया दे दिया है। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिए, ध्यान से देखिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बिज़नेस टाइप क्या है, इंडिविजुअल है या सोलो प्रोप्रेटर है। देखिए यहाँ देखिए ये देखिए जो आपका यहाँ पे है, तो ये आपने क्या डालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्लिक करना आपने। तो यहाँ देखिए ये देखिए इंडिविजुअल सोलो प्रोप्रेटर पार्टनरशिप, यहाँ देखिए जॉइंट वेंचर एलएलसी, ये कुछ नहीं डालना आपने, नीचे का कुछ नहीं डालना। आपका क्या है, इंडिविजुअल अकाउंट है, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है इंडिविजुअल पर, ये हमारा आ गया ऑटोमेटिक ही। तो यहाँ देखिए उसके बाद क्या करना आपने, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये जो नीचे यहाँ पे दे रखा है ऐड लेटर पे नहीं करना, आपने क्या करना है नेक्स्ट पे, ये देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये सेकंड इसमें डैशबोर्ड पे ले जाएगा। थोड़ा सा वेट करना आपने, थोड़ा सा वेट करना है, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। तो ये देखिए ये आपको नेक्स्ट डैशबोर्ड पे ले जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आ गया। तो यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ लीगल नेम, देखिए लास्ट या मिडल जो भी आपका मिडल नेम अगर है तो यहाँ पे डालना है, नहीं तो आपने नीचे लास्ट नेम डालना है। तो मैंने लास्ट नेम डाल दिया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो ये देखिए प्राइमरी एड्रेस देखिए ये यहाँ पे डालना है, वी विल सेंड टैक्स डॉक्यूमेंट टू दिस एड्रेस। ये देखिए यहाँ पे आपने क्या करना है, एड्रेस भरना है आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एड्रेस भरते हैं अपना जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ देखिए टाउन, तो नीचे देखिए यहाँ पे क्या डालना है, टाउन क्या है आपका, तो हम यहाँ रहा जो टाउन है वो डाल देते हैं, टाउन सिटी जो भी आपका वो डालना है आपने। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए कंट्री, ये आपका स्टेट क्या है, स्टेट डालना है यहाँ पे, देखिए कंट्री स्टेट, पिन कोड डालना है यहाँ पे जो भी आपका पिन कोड रहेगा, पोस्टल कोड जो होता है तो वो डाल दिया। उसके बाद आप यहाँ नीचे फ़ोन नंबर डाल सकते हैं आप, जो भी आपका फ़ोन नंबर है। तो
तो यहाँ नीचे ईमेल भी डाल सकते हैं, आपके पास कोई ईमेल है तो ईमेल डाल देना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए परमानेंट अकाउंट, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, देखिए ये जो पोर्शन है ये देखिए परमानेंट अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे क्या डालना है आपको, पैन कार्ड नंबर डालना है, पैन कार्ड नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका पैन कार्ड होगा तो उसमें जो नंबर दे रखा था वो नंबर डालना है इसमें आपने। तो चलो हम अपना नंबर डाल देते हैं, कैपिटल लेटर में डालना इसमें। तो उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे नीचे आता है, ये देखिए ये आता है आपका ऑप्शन, देखिए वेट जीएसटी, ये कुछ नहीं डालना आपने, आपने सिर्फ ये नीचे जो है यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे टिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ देखिए नीचे आपका नेक्स्ट ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करना आपने। थोड़ा वेट करिए, अभी आपको नेक्स्ट डैशबोर्ड पे ले जाएगा ये। देखिए फिर बैंक ट्रांसफ़र आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपने क्या करना है, बैंक कंट्री डालना है, यहाँ पे करेंसी डालना है, यहाँ पे लीगल नेम डालना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। तो हम यहाँ फटाफट से डाल देते हैं जो भी हमारा नाम है। तो यहाँ पे क्या करना है, आईएफएससी कोड डालना है यहाँ पे। तो डाल दिया यहाँ पे बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्या डालना है आपने, बैंक अकाउंट डालना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर रहेगा। तो हमारा जो भी बैंक अकाउंट नंबर रहेगा वो डाल देते हैं यहाँ पे। तो हमने बैंक अकाउंट डाल दिया, यहाँ देखिए फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है ऊपर, देखिए जो ऊपर फर्स्ट नंबर पे दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट नंबर पे दे रखा है इस पे टिक करना है। ये जो ये बैंक, इस पे टिक करेंगे तो आपको बैंक में पेमेंट आएगी। अगर आपका ये नीचे वाला है लिंक योर पेपाल अकाउंट, अगर आपके पास पेपाल अकाउंट है तो पेपाल अकाउंट में भी ले सकते हैं, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक अकाउंट में ले। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा प्रोसेस ले रहा है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, तो उसके बाद यहाँ नीचे देखिए अकाउंट होल्डर नेम, तो आपका जो भी नाम है वो नाम डालना है यहाँ पे आपने। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे मांग रहा है शिफ्ट कोड, जो ये शिफ्ट कोड है ये आपको बैंक से मिल जाएगा, तो वो आपने बिल्कुल सही डालना है, नहीं तो आपका पेमेंट फंस भी सकता है। बिल्कुल सही डालना आपने, बैंक वालों से ले लेना आपने, या ऑनलाइन भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे डालना है बैंक अकाउंट नंबर, जो भी हमारा बैंक अकाउंट नंबर रहेगा वो डालना है यहाँ पे हमने। तो ये डाल दिया हमने, देखिए। तो उसके बाद क्या करना आपने, यहाँ पे क्लिक नहीं करना, ये पेपाल पे आपने कहाँ करना है, यहाँ पे करना, देखिए यहाँ पे करना आपने, यहाँ पे लिंक पे आउट मेथड, यहाँ पे करना आपने क्लिक। हम इस पर क्लिक कर देते हैं, थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ा वेट करना है, प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है। ये देखिए अब यहाँ पे जो नेक्स्ट डैशबोर्ड आएगा, ये देखिए ये आएगा आपका ऐड योर टैक्स। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे भरना, जैसे आप यूट्यूब से या फेसबुक से इनकम लेते हैं तो उस पर भी ये फॉर्म आता है, तो ये आपने भरना है। तो सारी डिटेल जो भी है इसमें आपको शो हो जाएगी, ये देखिए टैक्स वुड लाइक टू रिसीव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट, देखिए। तो यहाँ नीचे क्या करना आपने, ऑलो पे क्या करना है, क्लिक करना है। ये देखिए, तो ये देखिए आपका सारा जो भी है, ये देखिए यहाँ पे आपका
शो हो गया है। तो ये देखिए यू आर यूएसए सिटीजन, तो क्या आप यूएसए के नागरिक हैं, तो हम नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे। यहाँ जो यहाँ देखिए ये हम नो पे क्लिक करेंगे, तो हम नो पे क्लिक करते हैं, नहीं है। तो ये बोल रहा है, ये देखिए आर यू एक्टिंग एज ऑन इंटरमीडिएट एजेंट ऑफ अदर पर्सन रिसीव पे आउट टू अनदर पर्सन फॉलो थ्रू, ये भी नहीं है, हम ये भी नहीं करते हैं। तो इस पर करेंगे नो पे। तो उसके बाद क्या करना आपने, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो हम कर देते हैं नेक्स्ट पे क्लिक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब नेक्स्ट ये आ गया डैशबोर्ड। यहाँ देखिए कंट्री, देखिए यहाँ देखिए ये ऊपर आपका देखिए सारा आ गया, देखिए नाम वगैरह सारा आ गया, यहाँ कंट्री सिटीजनशिप आ रही है। तो हम इस पर करते हैं, तो हम क्या है इंडियन सिटीजन है, तो इंडियन यहाँ पे ढूंढते हैं। तो इंडियन ढूंढने के बाद हम ये देखिए ये हमारा इंडिया आ गया, ये सिलेक्ट करते हैं। ये देखिए 10 नंबर वगैरह मांग रहा है, तो ये कुछ नहीं है। तो यहाँ नीचे बोल रहा है आपका, देखिए यहाँ नीचे ये आपका वो आ गया इसमें आपका जो पैन कार्ड का नंबर था। तो आई हैव एन यूएस 10 नंबर, नहीं ये हमारे पास नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल आ गई, और आपके देखिए कंट्री है, आपका एड्रेस है, सिटी है, स्टेट सारा आ गया, जिप नंबर जो भी है। उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट पे करेंगे। देखना आपने अगर सही है तो ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे लिख के आ रहा है लोक, देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये आपने ध्यान रखना है, लोकेशन ऑफ वेयर सर्विस आर और विल बी फिजिकली परफॉर्मेंस। तो आपने क्या करना है, आपने जीरो पे टिक करना है, ये जीरो पे टिक करना है आपने, बाकी छोड़ देना है। जीरो पे टिक करने के बाद यहाँ देखिए नेक्स्ट पे क्या करना है, आपने प्रेस करना है, क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका देखिए फॉर्म बिल्कुल रेडी हो गया है, ये देखिए। तो उसके बाद क्या करना है आपने, यहाँ ये देखिए यहाँ पे आपने टिक करना है। तो यहाँ पे आपने फुल नेम दे देना, जो भी आपका फुल नेम है वो दे देना यहाँ पे। तो ये हमने देखिए यहाँ पे फुल नेम दे दिया है। तो उसके बाद क्या करना, फिर आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ये आपका डब्ल्यू 8B, देखिए ये आपका फॉर्म क्या हो गया, देखिए सबमिट हो गया। देखिए इस तरह का फॉर्म होता है, देखिए इस पे देखिए आपकी पूरी डिटेल होगी। तो इस तरह का फॉर्म होता है ये देखिए। तो इसको क्या करना, अब आपने इसको आपने क्या करना, सबमिट करना है। देखिए तो पहले आप चेक कर लिए सही है कि गलत है। तो देखिए यहाँ पे सारा मैंने भर दिया है, ये देखिए एड्रेस आ रहा है मेरा, देखिए देखिए मेरा सारा हो गया रेडी फॉर्म, ये देखिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया। थोड़ा वेट करिए, अब नेक्स्ट इस पे लेगा। ये देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए आपका योर टैक्स इंफॉर्मेशन इज़ कंप्लीट, ये आपका क्या हो गया, टैक्स इंफॉर्मेशन जो भी है आपका कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, व्यू पीडीएफ में भी देख सकते हैं। उससे पहले आपने क्या करना है, यहाँ नीचे देखिए डन पे क्लिक करना है, हम डन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा वेट करिए, थोड़ा टाइम लेगा, एड योर टैक्स इंफॉर्मेशन,
थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेगा। तो ये देखिए आपका क्या है, ये आपका सेटअप हो गया सारा। देखिए बैक आके आपको दिखाता हूँ मैं अपनी डिटेल। ये देखिए प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएंगे, तो प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे अपना, ये देखिए पे आउट, देखिए अकाउंट हमारा सेटअप हो गया। तो ये देखिए नीचे हमारा, ये देखिए गिफ्ट वाला है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये हमारा पे आउट, ये देखिए, ये देखिए ये सेटअप हो गया यहाँ पे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।